क्लास में हमने ये वाला एक्सप्रेशन छोड़ रखा था आपके लिए, यहाँ तक हमने डेरिवेशन कर रखी थी लास्ट क्लास में, इस पे थोड़ा डिस्कशन बाकी है, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। ये वाला जो आर है, दिस इज द कॉर्ड, इसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज होता क्या है वो समझ लो, सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मान लो एक ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये पार्टिकल जब यहां से यहां तक जाता है तो इन्होंने कुछ दूरी तय कर रखी होगी, इन्होंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा होगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेंज, इसे हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। और ये रेंज अप द प्लेन वाला केस है, डाउन द प्लेन में थोड़ा डिस्कशन कर देंगे कि पीछे वाले क्या हुए है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट कर रखा था, और साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला भी आया था, और उससे ये रिजॉल्व हो के ये वाला टर्म आया था, क्लियर है। फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, तरीका बस वहां पे देखना था आपको कि वो चीजें कैसे होती थी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए। तो ये वैल्यू किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है उसको जरा देखो, ये वैल्यू यू पे डिपेंड कर रहा है, और आप चाहते हैं कि हमारा यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्टाइल को फेंकने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को फेंकने वाले होते हैं, उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आपके पास आपके कंट्रोल में है, मतलब आप इसे तत्काल कांस्टेंट रखें, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी पहले से कांस्टेंट दे रखा है। अब हमारा यहां पे जो टर्म है, ये कॉस बीटा वाला टर्म और ये साइन टू अल्फा माइनस बीटा या साइन बीटा वाला टर्म, इसी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम आर मैक्सिमम ऑब्टेन कर सके। आप ये बताओ कि ये वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू मान लो टू है और यहां पे वाई है, हम चाहते हैं कि ये एक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, तो क्या करें, इस वाई को ज्यादा से ज्यादा रखें कि नहीं। वाई को जितना ज्यादा रखोगे उसी हिसाब से एक्स खुद को एडजस्ट करेगा। हम चाहते हैं कि एक्स मैक्सिमम रखें, समझो, हम चाहते हैं कि एक्स मैक्सिमम रखें, इसका यह मतलब हुआ कि हमें वाई को भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तब ना एक्स मैक्सिमम ऑब्टेन होगा। तो ये वाई यहां पे, अगर ये टर्म देखो तुम, इसको छोड़ो, ये वाला टर्म सोचो, ये मल्टीप्लाइड है ना, तो मल्टीप्लाइड वाला जो भी टर्म है, अगर इसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगा। अब ये वैल्यू ज्यादा कैसे होगा, तो ये वैल्यू है साइन थीटा वाला टर्म, आई बात समझ में, तो ये ज्यादा कैसे होगा, तो देखो ये ज्यादा होगा। अब एक बात और बताओ, जैसे हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है और ये हमें ज्यादा चाहिए, ये हमें मैक्सिमम मतलब ज्यादा ज्यादा चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है कि दो काम कर सकते हो इसको, एक तो ये वाई जो घटने वाली चीजें हैं उसे कम से कम रखो, एक तो ये कर सकते हो कि ये घटने वाली चीजों को कम से कम रखो, दो केस यहां पे बनेगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें डिफरेंस ज्यादा चाहिए, हमें ये डिफरेंस एक्स माइनस वाई का वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो जैसे 12 में से मान लो 3 माइनस कर दिए, कितना आया, 8, हाँ चेक कर रहे थे ऐसे, 9 आया। अब एक बात बताओ, अगर 12 में से 2 को माइनस करेंगे वैल्यू 10 आएगा, 12 में से 1 को माइनस करेंगे वैल्यू 11 आएगा, क्या दिख रहा है आपको, ये वैल्यू बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है किसके घटने से, वाई के घटने से। हमने क्या बोला कि जो चीजें घट रही होती है अगर उसे तुम और घटा दो तो ओवरऑल वाला वैल्यू तुम्हारा ज्यादा होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में। एक तो काम ये कर सकते हैं, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लो इसको फिक्स रखें, वाई को फिक्स रखें, जैसे ये 3 था, ये 3 था, ये 3 था और ये ज्यादा चाहिए, जैसे 12 में से 3 किया हमने, 9 आया, अगर मान लो 15 में से 3 करें तो 12 आएगा, मान लो 20 में से 3 करें तो 17 आएगा, तो ये वैल्यू ज्यादा चाहिए हमें। ये ऐसे भी तो किया जा सकता है कि ये वाला वैल्यू को बढ़ा दो, मतलब जिसमें तुम किसी भी चीज को घटा रहे हो अगर उसे तुम बढ़ा देते हो, उसे अगर तुम बढ़ा देते हो तो ये वैल्यू ज्यादा मिलेगा, या जिसको घटा रहे हैं आप अगर उसे घटा दें, उसे घटा दें तो ये वैल्यू फिर से ज्यादा मिलेगा, आई बात समझ में। यहां पे दो केस हमें एनालिसिस करनी है, क्लियर है, एक तो ये वाला टर्म, तो यहां पे हमें दो चीजें मिल रही है, एक एक्स और दूसरा वाई, आई बात समझ में। तो ये वैल्यू ज्यादा चाहिए, इसका मतलब इस वैल्यू को कम से कम रखें,
और इस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा रखे, वो केस यहां से बनेगा आपका। तो हमने क्या किया, अगर ये टोटल वैल्यू ज्यादा चाहिए तो इसमें से इसको ज्यादा रखना पड़ेगा। देखो साइन टू अल्फा माइनस बीटा को हमने मैक्सिमम कंसीडर किया है। अब बोलो साइन, इसको मान लो कोई थीटा है, ये कोई एंगल है, तो आप हमें ये बताइए, कम से कम इतना ज्ञान तो तुम्हें क्लास दसवीं से होनी चाहिए, या नहीं है तो कोई बात नहीं, भी बताएंगे। साइन थीटा का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना सुना है आज तक आप तुमने? वन। साइन थीटा का जो एंगल का वैल्यू होता है ज्यादा ज्यादा वन होता है। तो साइन के किस एंगल का वैल्यू वन होता है? 90 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थीटा का वैल्यू ज्यादा कर दें तो हमें ये वैल्यू ज्यादा मिलेगा। थीटा के प्लेस पे क्या है बाबू? 2 अल्फा माइनस बीटा। इसका मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा को हम किसके बराबर कर दें? 90। पाई बाय 2 को 90 कहते हैं, पाई बाय 2 रेडियन में है ये, ठीक है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 मतलब कितना हुआ 90। मतलब अगर थीटा का वैल्यू हम 90 कर दें तो ये वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगा ना, साइन थीटा का वैल्यू। वही क्या, इसके बाद देखो साइन थीटा इक्वेट कर दिए 2 अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो यहाँ पे अल्फा में और बीटा में रिलेशन आ गया आपका, ये रिलेशन समझ पाए बोलो। तो ये 2 अल्फा माइनस बीटा पाई बाय 2, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा को इधर रिप्लेस करोगे, बीटा को अगर आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये टर्म क्या आएगा, 2 अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस बीटा। तो यहां पे ये 2 को इधर ले आओ, अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 के साथ और 2 आएगा और बीटा के साथ भी 2 आएगा, मतलब पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2 आ जाएगा, जो कि हमने यहां पे लिखा है। आई बात समझ में? तो अगर अल्फा, ध्यान से समझो, अगर अल्फा, अल्फा क्या होता था याद है? अल्फा होता था अप द प्लेन में, अल्फा होता था ये वाला एंगल, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल अल्फा कहलाता था। ये सब पहली चीजें अज्यूम्पशन थी हमारी, ये पुराना वाला कैलकुलेशन ही है, इसीलिए ये एंगल अल्फा होता। तो अगर अल्फा का वैल्यू पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2 के रिलेशन में होगा, उस केस में हमें आर मैक्सिमम मिलेगा। ये कंडीशन डायरेक्ट कभी कभी आता है एग्जाम में, वैसे ये जेई स्पेशल चल रहा है आपका, तो बोर्ड से इसको कोई मतलब नहीं है, नीट पूछता नहीं है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी पुरानी, 2-3 क्लासेस अभी वाली भी। जेई का सिलेबस था ये, तो हम लोग कंप्लीट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें नीट जेई सारा कंपटीशन एग्जाम आपका कवर होगा, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है? एक तो ये केस आ गई तुम्हारी। अब यहां पे क्या करो, इस इक्वेशन में तुम चाहो तो अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहां पे देखो ट्वाइस और अल्फा। आई बात समझ में? तो जब आप इसे यहां पे अल्फा के बदले ये वाला वैल्यू पुट करिएगा ना, तो ये सॉल्व होके कुछ ऐसा आएगा। सॉल्यूशन हमने नहीं कर रखा है क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं, कर दें क्या? क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे भी याद रखना है नहीं तुम्हें, फॉर्मूला याद रहने वाला है नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन करनी नहीं है तुम्हें। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया, समझो। तो ये वाला जो रिजल्ट आया है, ये अल्फा का वैल्यू पाई बाय 2 वहां पे सब्स्टिट्यूट हुआ है बाबू, देखो तो जरा। अगर साइन ट्वाइस ऑफ अल्फा, अल्फा के प्लेस पे क्या रखिएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2, क्लियर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 2 हो गया पाई बाय 2, समझ पा रहे हैं, पाई बाय 2, ये साइन आपका हो गया पाई बाय 2 प्लस बीटा बाय 2। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा नहीं, तब भी कॉस ही होता है, दोनों केस में कॉस ही होता है, पक्का? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वैल्यू लेकिन वहां पे 1 आना चाहिए ना, कट के ये वैल्यू 1 आना चाहिए ना, इसके प्लेस पे 1 आया है ना, ये वैल्यू आपका बीटा कटना चाहिए, कटेगा कि बीटा, माइनस बीटा भी तो है। हाँ हाँ, बीटा रिमूव होगा 2 से 4। अच्छा देखो, अल्फा के प्लेस पे यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमें, हमारे पास रिजल्ट है साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, है ना। तो साइन 2 के प्लेस पे 2, अल्फा के प्लेस पे किसे रखिएगा, पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2, और ये माइनस बीटा है। अब देखो ये कटेगा नहीं, साइन 2 रहने दीजिए, अब ये इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस
बीटा बाय फोर क्या, सॉरी बीटा बाय फोर नहीं, और पाई बाय टू प्लस बीटा, टू टू इंटू बीटा बाय टू, टू टू खत्म, बीटा बचा ना, और यहां पे बचा माइनस बीटा। तो देखो बाबू बीटा बीटा कैंसिल आउट, और बचा क्या आपका पाई बाय टू, पाई बाय टू, और आया साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है वन। ये चीजें करनी वाली नहीं है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए, या यहाँ पे तुम देख के भी समझ सकते हो। तो साइन 90 आया, साइन 90 के बदले हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करा है वन। एक केस तो ये हो गया, और दूसरा हमने आपको ये बताया था कि अगर इस वैल्यू को आपको मैक्सिमम रखना है तो आप इसे मिनिमम कर दो। तो साइन बीटा को हमने मिनिमम कर दिया, और साइन बीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो जीरो होता है। तो हमने क्या किया, साइन जीरो डिग्री बराबर कितना हुआ साइन बीटा, तो बीटा का वैल्यू जीरो आया। देखो बीटा का वैल्यू जीरो रखा हमने, इस केस में आपको ये वाला टर्म मिनिमम मिलेगा, मतलब ये वाला टर्म आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां पे देखो, क्योंकि आर का वैल्यू है ना, आर का वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों पे डिपेंड करता है, आर का वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों पे डिपेंड करता है। देखो वेरिएबल्स यहां पे बीटा भी है और यहां पे अल्फा भी है, तो आपको अल्फा के बारे में भी सोचना है और आपको बीटा के बारे में भी सोचना है। तो अल्फा के बारे में हमने सोचा, क्या सोचा कि भाई अल्फा अगर पाई बाय टू प्लस बीटा बाय टू हो जाएगा आर मैक्सिमम मिलेगा, और बीटा बीटा अगर जीरो हो जाएगा उस केस में भी आर आपको मैक्सिमम मिलेगा, और रिजल्ट क्या होगा, बीटा की जगह पे जीरो पुट करिएगा, कहानी खत्म। तो रिजल्ट आएगा आपका कुछ ऐसा सा, क्लियर है। और देखो तुम्हें ध्यान होगा कि ये बात जो है अल्फा इक्वल टू 45, मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्टाइल, याद करिए पुराने दिनों को, अगर आपने प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल करा है रेंज मैक्सिमम मिलता है। तो दो केस यहां पे बनेगा, अल्फा के प्लेस पे या तो 45 या तो पाई बाय 4 बीटा जीरो रखने के बाद, तो ये मैक्सिमम फाइनल रिजल्ट आपका होगा मैक्सिमम के लिए। नॉर्मल जनरल रिजल्ट यही है, और इसी को ये सॉल्व करके दो केसेस बने हैं, रिजल्ट ये आया आपका। क्लियर ऋषभ, पकड़ पाए बात को, गुड। ये चीजें हैं बस। ये वो वाला तरीका था, लॉन्ग प्रोसेस वाला, हमने यहाँ पे पूरे स्टेप में इसको समझा था। दूसरा ये है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो बस आप एक इक्वेशन याद रखिए और वैल्यूज को ध्यान में रखिए। यू एक्स हमने आपको बता रखा था, यू वाई हमने आपको बता रखा था, ए एक्स हमने बता रखा था, और ए वाई बता रखा था। अगर आपके पास ये चार अस्त्र हैं, आई बात समझ में, यू एक्स यू वाई ए एक्स और ए वाई, इसके इस चारों अस्त्र से आप कोई भी युद्ध लड़ सकते हैं। मतलब प्रोजेक्टाइल में किसी भी तरह के सवाल को, किसी भी तरह के फॉर्मूले को, कोई भी एक्सप्रेशन रहे होगा, यही चारों चीजों से निकाली जाती है। आपने देखा होगा कि ये चारों चीजों का ही हमने यूज करा है। आई बात समझ में। अब आपको निकालना क्या है, रेंज। रेंज किधर होता है, एक्स में। इसका मतलब आपको एक्स में यू पता होना चाहिए, एक्स में आपको ए पता होना चाहिए, बस एस इक्वल टू यू टी प्लस आप स्क्वायर लगाइए, एक्स में मोशन पता चल जाएगा, सारी कहानी पता चल गई। तो वही क्या हमने अल्टरनेट मेथड में लिखा है कि अगर आपको रेंज चाहिए, तो रेंज भाई हमारा यहाँ पे हुआ क्या, ओबी। आपको याद है ओबी क्या होता था, प्रोजेक्टाइल में ये वाला जो अप दी प्लेन होता था, ये टर्म ओ और ये बी होता था, और इसे ही हमने एक्स मान रखा था, याद है आपको। इसका मतलब हमारा मोशन किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किस होगा, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लिखाएगा, एक्स इन एक्स नहीं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। आपको ये यू एक्स पता है, याद है यू एक्स कितना था, यू एक्स कितना था, अरे यू एक्स था आपके पास, यू एक्स था यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ए एक्स आपके पास था माइनस जी साइन बीटा। कुछ कुछ मत गलत सलत मत बोलो, ये सब था। पुराना वाला कॉपी ब्लड के देखिए, आपको पता चलेगा हमने ये यू एक्स और ए एक्स आपको लिस्ट करवा रखा था, डिराइव भी कर दिया था, डिराइव भी कर दिए थे ना, ये कहां से आया कैसे आया। तो अभी याद नहीं रखना इसको, डेरिवेशन आपने सीख रखा है। तो आपको क्या करना है, यू एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हाफ के जगह पे हाफ, ए एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, और टी आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट, याद है कल वाला क्लास, नेक्स्ट सॉरी परसों वाला, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन हमने डाल रखा था। उसको जब आप वैल्यू पुट करोगे और इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल यही आएगा। आई बात समझ में। तो हमने आपको पहले से भी कह रखा है कि आपको रिजल्ट याद नहीं रखने, रिजल्ट कौन सा वाला याद रखना है कि नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन था, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला जो नॉर्मल, वो अगर याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो उसका भी हमने आपको तरीका सिखा रखा है।
और उसके अलावा जितने भी केसेस हमने कर रखे हैं उसमें हमने बस ux, uy, ax और ay पे ध्यान दिया है, और उसके बाद ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसी का यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह हर केसेस के डिराइव कर रखे थे। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्टाइल में और कुछ है नहीं, बस आपको ux ax निकालना आना चाहिए, uy ay निकालना आना चाहिए, बस कहानी खत्म। क्लियर है? और थोड़ा वो डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीजें हो गई। जिसको ये समझना था वो समझ चुके ना, क्योंकि सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा। अभी वजह ये है कि सारे कुछ बच्चे नए हैं और 20 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं यानी जिन्होंने प्रोजेक्टाइल का स्टार्टिंग से क्लास करा है उसे ये समझ में आया है? समझ में आया ना? चलो ठीक है, दोबारा समझाना है क्या? नहीं, चलो ठीक है। लिखना था क्या? चलिए, अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक सवाल करेंगे हम लोग, फिर आगे वाले कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। आओ अब देखना कि हमने क्या किया था और इस पे ये कैलकुलेशन कैसे करी थी। अभी ये आंसर कितना आया? 1 और 25। चलो इसको जरा सॉल्व करें। देखो अप दी प्लेन वाला केस है ये। अप दी प्लेन में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट और प्रोजेक्टाइल पूछा गया, मतलब टी पूछा गया, दूसरा रेंज पूछा गया है। हमें ना टी का फॉर्मूला याद है, ना रेंज का फॉर्मूला याद है, ना डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगाना है, आपको बस यूएक्स यूवाई एक्स और एवाई पे ध्यान देना है। वेरी गुड, फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो तो काम भी बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे कि बाबू इस इक्वेशन में तुम बीटा बताओ, तो बीटा क्या होता था? प्लेन से जो एंगल बनता था 37 डिग्री। अगर तुमसे हम पूछे कि अल्फा बताओ, बात मत करो, कितना है? 45 डिग्री। अब अगर इस इक्वेशन में अगर हम यू, देखो हमने कह रखा है कि आपको ये एक्स मानना है, ये वाई मानना है, आपको ये एक्स मानना है और ये वाई मानना है। ऐसा एक्स वाई ये था क्या कि एक्स वाई ये था? तो इसको सोच के बनाया एक्स वाई क्या? तुमने इसको सोच के एक्स वाई बनाया, उसको बनाया ना, तब वही होगा कि उसको सोच के बनाओगे तो फिर रिजल्ट अलग आएगा। और क्वेश्चन में उसको सोच के दे रखा है, तब कितना आया एक्स? एक्स कितना आया? 25 ऐसे भी 25 ही आएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी को मान के बना लेते हैं, आंसर सेम आएगा। आई ये वाला वाई डायरेक्शन हमारे लिए और ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो यू का जो एंगल है, हाँ ये यू वाला, ये है प्लेन तुम्हारा और एंगल यू का कितना है ध्यान दो, 45 ना, बोलो। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक एक्स की तरफ जिसको यू एक्स कहते हैं और एक वाई की तरफ जिसको यू वाई कहते हैं। यहां पे ना, हाँ सॉरी, तो क्या करें, 45 ले दे क्या? नहीं लगाते हैं, आसान वाला क्या कहीं बनाएंगे, एक्सिस ही बदल देते हैं। देखो हम लोग इसको इस वाले एक्सिस में कंसीडर करके बनाते हैं, कारण ये है, देखो दोनों तरीके से बनेगा ये, लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आपको फॉर्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा नया वाला। इससे अच्छा है कि आपको ये डायरेक्ट इससे एंगल पता है तो इससे हम लोग वेलोसिटी वगैरह मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हुआ वाई। अब आपको पता है कि यू का एंगल कितना दे रखा है ए से, 45। U का A से 45 कितना हो, ये X और ये Y। ठीक है, ये हमारा X है और X से देखो, वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि सर 90 से ज्यादा है, ऐसा लग रहा है ना, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, 90 से ज्यादा। ये एंगल 45 जब दे रखा है तो 45 मानो, ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ किया तुम। तो U का वैल्यू कितना है, 45। ठीक है, अगर X से U के बारे में बात करें
ये हुआ u और ये एंगल कितना है 45, तो ux कितना आएगा? आपको पता है कि ux होता है u cos थीटा, कुछ याद नहीं रखना है, ये वेक्टर भी कंपोनेंट होते थे u cos थीटा, u का वैल्यू कितना है 20√2 और cos थीटा के प्लेस पे 1/ cos थीटा का cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 कैंसिल आउट, ये होगा 20 मीटर पर सेकंड ux। आई बात समझ में? क्या हमें अच्छा uy की जरूरत भी पड़ेगी? चलो तो uy भी कर लो, देखो जरा uy कितना होगा, uy होता है u sin थीटा, और थीटा के प्लेस पे कितना रखोगे 45, u का वैल्यू कितना है 20√2 इंटू 45, साइन 45 का वैल्यू कॉस 45 के बराबर होता है 1/√2, आंसर फिर भी 20 मीटर पर सेकंड ही आया। मतलब ये हुआ कि आपको ux और uy का वैल्यू आ गया। हम क्या बोले थे कि आपको बस किसी तरह से ux और uy निकाल लेना है अपना बुद्धि लगा के, तो ux हमारे पास आया है 20 मीटर पर सेकंड और uy आया है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। बात करें g का, देखो इसके अकॉर्डिंग g का वैल्यू क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग g का वैल्यू ले गए जी, तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना, बिल्कुल। तो देखो इसके अकॉर्डिंग g का वैल्यू ये है, ये होता है g, और अगर आप देखो तो ये सिर्फ वर्टिकल में g आपको मिला है, यानी हॉरिजॉन्टल में g आपको नहीं मिला है, इसका मतलब ax आपके पास जीरो है। जब भी मोशन ऐसा होता है और ax का वैल्यू जीरो होता है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ax का वैल्यू जीरो और ay का वैल्यू g के बराबर होगा, क्लियर? वेरी गुड, वो हो गया। अब यही करना था, t निकालना है, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है तीन, इनमें से कोई भी तुम यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी। हम लिख देते हैं v इक्वल टू यू प्लस at लगा लो, या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लो, या v स्क्वायर इक्वल टू, ये तो इसमें तो t आ ही नहीं रहा है, तीसरा इक्वेशन है ना भाई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्या इसमें t आ रहा है? इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन लगा लो, कौन सा लगाओगे? पहला वाला लगाओ कि तो v निकालना पड़ेगा तुम्हें पहले, और v के लिए तुम्हें t पहले से पता होना चाहिए, क्या पता था? इसका मतलब पहला वाला भी कैंसिल हो गया, लगने वाला है कौन सा है? x। आप कोई भी लगा लो, वर्टिकल मोशन लगा लो या हॉरिजॉन्टल मोशन लगा लो, कौन लगाना पसंद करोगे, कौन लगाना पसंद करोगे? सुनो, हॉरिजॉन्टल लगाना तुम पसंद करोगे, लेकिन कारण क्या है कि तुम्हें हॉरिजॉन्टल में s नहीं पता है, लेकिन वर्टिकल में s नहीं, अच्छा वर्टिकल में भी s नहीं पता है, तब तो दोनों लगाना पड़ेगा। हाँ, तब तो दोनों लगाना पड़ेगा। एक बार x में लगाओ, x में लगाओगे तो u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर, बाबू a x जीरो है ना, बस तो u x t आया, x का वैल्यू कितना है नहीं पता, तो x में ये गया कितना है, o से q ना, चलो इसको o q रख देते हैं, और u x का वैल्यू कितना है 20, और t का वैल्यू नहीं पता, निकालना है ना, इक्वेशन वन, बोलो बाबू, tan थीटा वगैरह लगेगा यहाँ पे, बस एक सेकंड। देखो टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए टाइम दे रहे हैं इसमें, मतलब जो जिसको इस टॉपिक की जरूरत है उसके लिए है। ओ क्यू आ गया आपका, देखो तुम बोलोगे सर ओ क्यू क्यों निकाल रहे हैं आप, एक बात बोलो, देखो हिंट में ये दे रखा है तुम्हें, हिंट मतलब ये दे रखा है तुम्हें, गिवन है, तो टेन 37 लगने वाला है, यहाँ पे टेन थीटा लगने वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें क्या, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, अगर हम पी 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 क्यू है निकाल लें और ओ क्यू बी निकाल लें, इस रिलेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा ना, इसीलिए हम लोग OQ निकाल रहे हैं, अभी देखना OP या PQ में से कुछ आएगा, PQ आएगा बिल्कुल। अब हम लोग पुट करते हैं SY, SY इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, SY का वैल्यू कितना है, SY क्या होता है, SY होता है वर्टिकल डिस्टेंस, तो भाई आपने कितनी हाइट कवर कर रखी है, PQ, चलिए PQ पुट करिए, UY आपके पास है कितना 20, और T का वैल्यू T ही रहेगा, हाफ G का वैल्यू पुट करोगे क्या 10 रखोगे, चलो 10 रख लो, 9.8 भी रख सकते हो, 10 कैलकुलेशन के लिए अगर आसान हो तो T स्क्वायर। तारे बच्चों ये बताइए PQ इक्वल टू 20T, ये कितना हुआ 5 प्लस 5T स्क्वायर, इक्वेशन 2 आया। अब बोलो हमें क्या चाहिए, हमें tan थीटा चाहिए, यहां से गिवन इंफॉर्मेशन क्या है tan 37, अभी सॉल्व नहीं करना, tan 37 का वैल्यू कितना है 3/4, tan 37 के प्लेस पे यहां पे क्या रखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब आप PQ बाय OQ रखोगे,
तो भाई PQ बाय OQ दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ पे PQ यहाँ पे OQ क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। PQ का वैल्यू कितना है, 20T प्लस 5T स्क्वायर बाय OQ का वैल्यू कितना है, 20T, T से T कट जाएगा, आएगा कितना, T बाय 4, समझ पाए। देखो TT कोमल लोगे तो 8T उड़ा, बोलो मेरे, नहीं समझा कैसे, ओहो हो कैसे, कुछ बच्चा समझ गया होगा। देखो T कोमल लेंगे तो 20 प्लस 5T बचेगा बाबू, और नीचे होगा 20T, क्लियर। और ये सारा वैल्यू किसके बराबर है, 3 बाय 4 के, इक्वेट कर दें इसे 3 बाय 4 के, बस। अब देखो T से T कटा ना, इक्वेशन क्या बना, 20 इंटू 3 कितना होता है, 20 या 60 रे बाबू, 60 प्लस 20 इंटू 4 80 प्लस 25 T। अब बाबू उनको ना क्या हुआ है भाई, फूटने की साइन हम लोग, कोई बात नहीं, ये कितना हो गया, माइनस 20 बराबर 20T, यानी T बराबर माइनस 1 सेकंड। टाइम नेवर में नेगेटिव ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि टाइम नेवर में नेगेटिव, इसलिए टाइम कितना हो गया 1 सेकंड, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आया पता चला, गलती हो गई थी हम लोगों से, मतलब हमने साइन ही पुट करा था, यहाँ पे साइन हमें पुट करना था किसका, देखो जी का वैल्यू, ये एक्स है ये वाई है, जी डाउनवर्ड था, क्या रखना था जी तुम्हें, बोले थे ना माइनस रखना था, यहाँ पे अगर इस जी का वैल्यू तुम माइनस रख दोगे ना, कहानी सही हो जाएगी, आई बात समझ में, माइनस रखने से ये क्या हो जाएगा, माइनस 5T हो जाएगा। ऐसे भी देखो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं, टाइम नेवर भी नेगेटिव ऐसे भी, तो तुम ख्याल रखा करो इन सब बातों का, क्लियर है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, टाइम बराबर 1 सेकंड, क्लियर हो गया, टाइम 1 सेकंड आ गया, कहानी रेंज निकालनी थी तुम्हें, टाइम बराबर 1 सेकंड आया तो तुम्हें रेंज निकालना है, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, आर बराबर UXT, UXT, टी आया कितना, UX कितना था 20, और T का वैल्यू कितना है 1, बराबर कितना होगा 20 मीटर। अब रहा सवाल में कुछ करने लायक, क्या कोई फॉर्मूला का यूज हुआ, हुआ है, लेकिन क्या तुम्हें कोई ऐसे फॉर्मूले यूज करने पड़े जो तुम्हें याद रखने थे, बताओ, तो यानी पुराना जो भी क्लास रहा उसका कोई यूज नहीं था, यूज था करते कैसे है ये तो क्लास करने से पता चला ना, पुराना वाला जो ऑपरेशन हमने किया उसी से पता चला ना कि करना ऐसे होता है, हमने इसलिए बार बार कह रखा है आपको कि कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस ये जन्म पत्री बना लो, UX UY AX AY इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें याद होने चाहिए, पुट करने आना चाहिए, कहानी खत्म। आए बाबू, अच्छा सॉरी ये R नहीं आया, ओह हाँ आज तो 5 और आएगा, ठीक ठीक, ये R नहीं आया है, ये क्या आया है तुम्हारा, सॉरी ये वैल्यू क्या है, UXT क्या है, देखो ना बाबू UXT है क्या, OQ है ना, ये है OQ, सुनो सुनो ध्यान रखा करो, ये OQ आया है, और इसमें पता है रेंज किसे कहते हैं, रेंज तो OP को कहेंगे, तो भाई आप ही बताइए आपको OQ और OP में रिलेशन है, चलो त्रिकोणमिति तो लगाने आता ही है ना, बस वही तो लगाना है, एक राइट एंगल आपको दे रखा है किसी ने, बात मत करो, ये P है, ये O है, और ये Q है, OQ का वैल्यू कितना आया है 20 आया ना, OQ का वैल्यू 20 आया है, और साइन P बाय बी 3/4 रेशियो है, बोलो ये वैल्यू 3x, ये वैल्यू 4x, 4x का वैल्यू 20, 4x का वैल्यू 20, तो x का वैल्यू कितना होगा 5, 4x 3x, और ये कितना होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू कितना आया 5, तो बताइए यही वैल्यू चाहिए था आपको 5x, तो 5 × 5 बराबर कितना होता है 25 मीटर, आएगा रेंज, आएगा रेंज, बस कुछ गलत कर दिया क्या हमने, कोई गलत नहीं किया है, गलती होती है हमसे लेकिन कभी कभी मिटाए, चल तो ये थी अप दी प्लेन वाली कहानी, अब बिल्कुल रिपीटेड कहानी चलेगी डाउन दी प्लेन वाली, और इसमें हम बिल्कुल सा कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि सारे कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट हम लिखेंगे, अगर आपको कैलकुलेशन करने का मन है तो होमवर्क खुद से करना है, दिक्कत होगी हमें फिर बताइएगा, आइए अगले रिजल्ट पे बात करें। हाँ बोलो,
सुनो, अब देखो ये डाउन वाला केस है, डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन हमने कल भी समझा रखा था कि डाउन द प्लेन के केस में होगा क्या, अगर आप किसी प्लेन पे गए, ठीक है, इस प्लेन से गेंद अगर आपने ऐसी फेंकी तो ये अप द प्लेन कहलाती थी, जो पुराना वाला केस था हमारा। अगर आप गेंद को ऐसे फेंक रहे हो तो ये डाउन द प्लेन कहलाएगा। यहां पे हमने क्या किया, गेंद को ऐसे फेंकने का मतलब हुआ कि गेंद को आपको ऐसे फेंकना पड़ेगा, ऐसे फेंकोगे तब तो ये ऐसे आएगा। तो वही किया हमने, क्या किया कि गेंद को ऐसे फेंका है तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसा शो करेगा, बस यही हो गया, इसमें फिगर बस ऐसा ही बनेगा। हाँ, अल्फा और बीटा का थोड़ा मामला है यहाँ पे, और हाँ बस यही फर्क है कि उसमें अल्फा माइनस बीटा होता था, इसमें अल्फा प्लस बीटा होगा। कारण देखो, आप ये बताओ बताओ अल्फा क्या होता था। अल्फा होता था हॉरिजॉन्टल लाइन से जो इनिशियल वेलोसिटी की स्पीड होती थी उसको अल्फा कहते थे। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल इनिशियल वेलोसिटी बनाता था उसे अल्फा कहते थे। प्यारे बच्चों ये बताओ, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन कहां है, एक तो यहां है या इसके पैरेलल कहीं भी हो सकता है, तो बताओ मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपकी इनिशियल स्पीड, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और इनिशियल स्पीड के बीच का एंगल को हम ये अल्फा कहते हैं। कहने का आप कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन हम लोग वही वाला अल्फा रख रहे हैं जो पुराने वाले अल्फा रख रहे हैं, ताकि हम फॉर्मूला को सीधा लिख सके बिना सॉल्व किए। आई बात समझ में? तो अल्फा का सेंस पुराने वाले सवाल में था कि अल्फा जो है वो हॉरिजॉन्टल से इनिशियल वेलोसिटी कितनी एंगल बनाती है उसे ही अल्फा कहते हैं। तो अभी भी हमने अल्फा को वही मीनिंग दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। क्लियर? बीटा क्या होता था, बीटा होता था कि प्लेन हॉरिजॉन्टल से, ये जो प्लेन है कौन सा वाला, इंक्लाइंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है उसको बीटा कहते हैं। बताइए ये है इंक्लाइंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, बीटा। सेंस हमने सेम रखा पुराने वाले सवाल का जैसा, बस हो गया, कैलकुलेशन करने का तरीका वही रहेगा। हाँ, जी का थोड़ा साइन देख लो, जी के साइन में चेंज आएगा थोड़ा सा। कारण क्या है, कारण ये वो अप द प्लेन होता था और ये डाउन द प्लेन है। अप द प्लेन में क्या होता था, ये हमारा एक्स होता था और ये वाई होता था। आई बात समझ में? आप चाहे तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हमने वाई को चेंज कर दिया ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाए। और इस केस में हमने क्या किया, ध्यान दो, इस केस में हमने क्या किया है, इसे एक्स माना है, आई बात समझ में, और इसे हमने वाई माना है। ये फर्क हुआ है यहां पे, अगर चाहो तो तुम मार्क कर देना, मार्क कर देना कि ये है हमारा एक्स और ये है वाई। तो देखो वाई उल्टा हो गया है इसलिए साइन में थोड़ा चेंज होगा। आप पुराना वाला भी एक्स वाई कैरी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग साइन पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा पक्का। तो अब देखो यहां पे एक्स के अलावा जो भी डायरेक्शन होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो भाई एक्स के अलावा दो लोग होंगे यहां पे, एक यू एक्स होगा और एक ए एक्स होगा। क्लियर है? ए एक्स को तुम जी एक्स भी कह सकते हो। यू एक्स का वैल्यू देखो, इधर जब आप यू को तोड़ोगे, समझो बात को, गलत लिख दिया क्या? हाँ थोड़ा सा, नहीं नहीं गलत क्यों लिखे, लिखे तो गलत ही थे, सही कर देते हैं। सही क्या करें पता है, एक्सिस ही बदल देते हैं, एक्सिस बदल लेते हैं, एक्स को इधर ले लेते हैं और वाई को इधर लेते हैं। अब ये भी सही हो गया, मतलब तो मिस्टेक हुई थी लेकिन यहां पे गलत, सही करने से चाहिए सही करते। तो ये हमने एक्स मान लिया, कॉपी पे नोट कर लेना, एक्स ये है और ये वाई है। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो, अब देखो ये एक्स है, इसके अलावा जो भी लोग होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा दो लोग होते थे, एक होता था यू एक्स और एक होता है ए एक्स। इसके अलावा भी दो लोग होंगे, एक होगा यू एक्स सॉरी यू वाई और एक होगा ए वाई। समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। अब देखो इसके कंपोनेंट टूटेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये सब चीजें हम लोग वेक्टर में सीखते हैं कि कैसे किसी को रिजॉल्व किया जाता है। तो देखो ये है हॉरिजॉन्टल और ये है यू, तो यू के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर और एक इधर। आई बात समझ में? एंगल आपको ये पता है अल्फा, इसका मतलब ये कंपोनेंट होगा यू कॉस अल्फा। आई बात समझ में? और ये वाला कंपोनेंट होगा यू साइन अल्फा। क्लियर है? बोलो। वेरी गुड। ठीक है, यू साइन अल्फा और ये हो गया आपका यू कॉस अल्फा। क्लियर? वेरी गुड। जी के बारे में बात करें तो जी इधर लग रहा है हमेशा, प्लेन हमारा किधर है, ये है एक्स
और ये है वाई, तो क्या हुआ है एक्स। हाँ, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। जी का एंगल तुम्हें पता है? हाँ बिल्कुल पता है, ये एंगल बीटा है बाबू। तो ये हो गया आपका जी कॉस बीटा और ये हो गया जी साइन बीटा। क्लियर क्या? तो ये हो गया आपका यू कॉस अल्फा को हम लोग कहते हैं यू एक्स, और यू कॉस यू साइन अल्फा को यू वाई कहते हैं। यू साइन ये यहां पे यू एक्स आएगा एक्स के अलावा, और ये हो गया आपका वाई के अलावा। अब देखो मैटर क्या हुआ है, जरा समझना। हमने वाई किधर मान रखा है? हमने वाई नीचे मान रखा है बोलो, और एक्स इधर मान रखा है। इस हिसाब से जी पॉजिटिव होना चाहिए ना। साइन माइनस रख दिया क्या? नेगेटिव रख दिए। वाई ठीक तो है क्या? ठीक है, यू एक्स ठीक है, अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा आएगा हम बता रहे हैं। ए एक्स ठीक है, हाँ ए एक्स ठीक है, जी साइन बीटा और ए वाई, यहां के अकॉर्डिंग जो वाई लेंगे ए वाई ठीक है ना। ये मैंने जी कॉस बीटा जो है, हाँ ठीक है। कैसे नहीं, अगर आपने मोशन ये लिया, समझो हमने किताब वहां पे क्या बोर्ड पे लिखा रहा, बोर्ड पे क्या लिखा था मोशन, जो लिखा उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। डाउन दी प्लेन ना, देख लेते हैं मोशन कौन सा लिए थे, एक्स और वाई। अच्छा पहले वाला मोशन वही था, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बताओ दर्शकों की मांग पे मोशन कंसीडर करेंगे, बोलो। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम जो बोलोगे इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। किताब में जो है रहने दो, यहां पे हमने क्या लिखा है वो भी रहने दो। तुम बताओ तुम्हारे पास इसे लेने के दो ऑप्शन है, तुम जो बोलोगे वही लेंगे। ठीक है देखो प्लेन है ना, ये एक्स और ये वाई, या तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि इसे एक्स लो और इसे वाई लो। बोलो कौन सा लेना पसंद करोगे? ये वाला, इसके अकॉर्डिंग करें। वेरी गुड, आइए तब इसके अकॉर्डिंग रिजॉल्व करते हैं। यहां पे जो आंसर था ना इसके अकॉर्डिंग था, इसी के अकॉर्डिंग कर दे तो आंसर है ये। चलो इसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। हाँ आंसर यहां पे जो लिखा हुआ था वो इसके अकॉर्डिंग ही था, ये एक्स और ये वाई। हाँ फाइनल ना? हाँ अरे बाबू एक सेकंड रुक जाओ बाबू, नहीं इसके अकॉर्डिंग नहीं था। हाँ ये ऐसे था, इसके अकॉर्डिंग था मोशन, मोशन इसके अकॉर्डिंग था। चलो तो हमने U को रिजॉल्व किया, समझो बात को। U के दो कंपोनेंट टूटे, एक X के अलावा, देखो ये X है, लेकिन एक बात तुम बताओ हमें, ये तो अल्फा है ना बाबू, और हमने X किसे मान रखा है, किसे मान रखा है? ये वाला देखो ना, ये X मान रखा है और ये एंगल कितना है बीटा। इसका मतलब U के लिए जो थीटा होगा, अब समझो यहां पे थीटा क्या हो गया तुम ही बताओ, इतना एंगल प्लस इतना एंगल, इसीलिए थीटा के प्लेस में यहां पे क्या होगा, और आपको पता है कि यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा, तो थीटा के प्लेस में क्या पुट करोगे कॉस बीटा। और इसका यू वाई कंपोनेंट क्या होगा, यू वाई कंपोनेंट आपको पहले से पता है होता है यू साइन थीटा और थीटा के प्लेस में अल्फा प्लस बीटा। तो ये समझ में आया कि यू एक्स यू कॉस अल्फा प्लस बीटा कैसे आया और यू वाई यू साइन अल्फा प्लस बीटा कैसे आया। बात रही डायरेक्शन की तो देखो यू एक्स हमारा इसी तरफ आया है, यानी हमने जो मोशन कंसीडर कर रखा है उसके अलॉन्ग ही आया है, इसलिए पॉजिटिव। हमने यू वाई इधर, यू वाई का कंपोनेंट क्या होगा, इधर कुछ एंगल है तो ये वाला कंपोनेंट आएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यू वाई, वाई के अलॉन्ग बोलो, इसके दो कंपोनेंट होंगे एक एक्स के अलॉन्ग और एक वाई के अलॉन्ग। तो देखो वाई के अलॉन्ग ये वाला कंपोनेंट हमने निकाला और हमारा कंसीडर जो किया हुआ कंपोनेंट था ये वो इधर ही था, इसका मतलब यू वाई का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
बोलो नहीं। हाँ तो चलो ये साइन क्लियर हो गया, वैल्यू क्लियर हो गए। आइए अब जी के बारे में बात करें। देखो प्रॉब्लम सिर्फ यू वाई यू एक्स और जी वाई और जी एक्स निकालने का है, इसके अलावा तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पुट करने हैं। चलिए जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, चलो आपने मोशन कंसीडर कर रखा है ये एक्स और ये वाई, ये है आपका वाई, ये वाई कर रखा है। तो जी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में जिसको आप कहेंगे ए एक्स और एक इस डायरेक्शन में टूटते हैं जो कहलाता है ए वाई। अब देखो एंगल कौन सा है, ये एंगल बीटा आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका ए वाई जो आएगा वो यू कॉस बीटा आएगा, सॉरी जी का है ना, तो जी कॉस बीटा आएगा। अब साइन के बारे में बात करो तो तुम लोग बताओ साइन क्या रखें, बिल्कुल नेगेटिव रखेंगे। कारण क्या है कि हमने ये वाई कंसीडर कर रखा है और जी इसके अपोजिट आया है, इसीलिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा। देखो सही था। दूसरा ए एक्स, देखो ए एक्स कितना होगा, यू जी साइन बीटा पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि ये एक्स माना हमने और इधर ही इसका कंपोनेंट भी आया है इसीलिए ये पॉजिटिव हुआ। बस यही निकालना था, यू एक्स ए एक्स यू वाई ए वाई, कहानी खत्म। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, पुराना वाला मेथड देखो। रेंज कैसे निकालेंगे, पुराना वाला मेथड देखो। उसमें मैक्सिमम रेंज कैसे करते हैं, अभी सीखा आपने, मैक्सिमम मिनिमम केस लगाओ और चीजों को ऐसे एनालिसिस करो। रिजल्ट करने के बाद आपको ये सीधा रिजल्ट आएगा, 2u sin अल्फा प्लस बीटा g cos बीटा और r बराबर u स्क्वायर g cos स्क्वायर बीटा sin 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस sin बीटा। बड़े इंटरेस्टिंग बात दोनों में क्या है, देखा तुमने कुछ गौर किया क्या रिजल्ट में, रिजल्ट में गौर करो तुम्हें पता चले कि हुआ क्या है। कुछ नहीं, बस नेगेटिव पॉजिटिव का मामला है। पिछले वाला जो इक्वेशन आया था टाइम ऑफ फ्लाइट अप द प्लेन में, आई बात समझ में, वो हुआ था 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा, और रेंज आया था, अगर ध्यान दो रेंज का फॉर्मूला अभी भी लिखे थे, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा आया था। यही रिजल्ट था कि नहीं था, हुआ भी वही है। ये रिजल्ट तब बस प्लस और माइनस में तब चेंज आएगा जब आपने अल्फा के सेंस में कोई बदलाव नहीं करा होगा। अल्फा का सेंस क्या था, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे यू होगा, और बीटा का सेंस अगर आप क्लियर मतलब चेंज ना करोगे, जैसे बीटा क्या होता था, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, अगर आप सेंस चेंज नहीं करोगे तो रिजल्ट सीधा प्लस माइनस में चेंज आएगा। हाँ अगर आप सेंस चेंज कर दोगे, अल्फा अपने मन से मानोगे क्या है नहीं है पता नहीं, थीटा वन थीटा टू मानोगे, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया कि कैसे रिजॉल्व करते हैं, कर लीजिए। आई बात समझ में, तो ये रहा डाउन दी प्लेन की पूरी कहानी, कंप्लीट कहानी हो गई कंप्लीट, ठीक है टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब जो भी बचा कुचा बात है वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समय बचा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक। चलो आओ एक सवाल करें, एकदम बिल्कुल पुराना वाला सवाल ही करते हैं, और ये पुराना वाला सवाल कैसे बनाया है देखा था सबने, सबने देखा था ना पुराना वाला सवाल कैसे बनाया है। अभी सेम सवाल देंगे डाउन द प्लेन में, बना के दिखाओ, सेम सवाल देने वाले हैं डाउन द प्लेन में, बना के दिखाइए। क्वेश्चन नोट करो और जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाँ मोशन हम कह रहे हैं कि ये वाला कंसीडर करना है, मोशन हम दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग आंसर बताइएगा, क्योंकि नहीं तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। कोई कुछ नहीं लोगे, सेम ही आएगा, सेम आ जाएगा, आएगा तो और बढ़िया बात है। अब की बार लगभग वैल्यू हम एकदम वही दे रहे हैं, ठीक है। हाँ यहां से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ, स्पीड थी इसकी 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कितने एंगल से प्रोजेक्ट हुआ बेचारा,
45 से प्रोजेक्ट हुआ है आप, ये हुआ पॉइंट P, ये हुआ पॉइंट O, और इस पॉइंट का नाम है Q, इस पॉइंट का नाम है Q, ठीक है। आपसे फिर से वही पूछा गया कि भाई फाइंड करो, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा रेंज, रेंज यहां पर रेंज क्या होगा, ओ से पी का डिस्टेंस, ध्यान रखना रेंज मतलब ओपी, फाइंड करिए, आराम से कैलकुलेट करिए और बताइए आंसर इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड, गलत जवाब है, नहीं गलत जवाब नहीं है, सॉरी हाँ गलत जवाब है 175, ठीक है जवाब गलत है, चेक करिए, इसे सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा, सॉल्व करें, करना क्या है आपको, यू एक्स यू वाई करना है, चलिए तो यू एक्स क्या होगा, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, देखो यू एक्स यहां पे क्या होने वाला है, अगर इसके अलॉन्ग तुम लोगे तो ये होगा तुम्हारा 45 पे, पहले इसके अलॉन्ग ले लेते हैं बाद में कहानी, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, क्या इसके अलॉन्ग लोगे अल्फा 45 नहीं होगा, अल्फा प्लस, ओ सही बोल रहा तू, अल्फा तो ओ तब तो ठीक सही बोला तू, हाँ तब 5 होगा, लेकिन टाइम इसमें आंसर दे रखा है, बता रहे तुम्हें आंसर दे रखा है सॉल्विंग, हाँ टाइम बराबर 7 सेकेंड आंसर दे रखा है और रेंज 175 है, ओहो हो हमने क्वेश्चन ही गलत तब दे रखा है, अल्फा 45 है, अल्फा 45 है तब तो 7 आएगा ना, सॉरी गिवन इन्फॉर्मेशन में थोड़ा मिस्टेक था, इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो आप लेकिन कैलकुलेशन होगा नहीं शायद, हाँ ये वैल्यू है 45, ये वैल्यू 45 है, हाँ हाँ ये वैल्यू 45 है आपका इससे, ठीक है ठीक है, तो इस हिसाब से यूएक्स कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो मनीष कुमार, हाँ फॉर्मूला बोलो ना, हाँ सर यू एक्स आएगा, इसके कंपोनेंट होंगे यू कॉस 45, सॉल्व करोगे यू का वैल्यू 20√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 2 खत्म, 20 मीटर पर सेकेंड, और अब आप यू वाई फाइंड करोगे तो यू साइन 45 सॉल्व करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, आई बात समझ में, ए एक्स के बारे में बताओ और ए वाई के बारे में बताओ, ए एक्स कितना आएगा, ए एक्स आएगा जी साइन ए एक्स, बाबू ये होगा ना, ये वैल्यू ना एक्स अभी के लिए, तो ये एंगल कितना, ये बीटा 37, सिक्स और एट, अच्छा साइन का यूज करोगे क्या, ए एक्स टी यूज हो जाएगा ना, चलो कोई बात नहीं, जी का वैल्यू जी कॉस 37, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो साइन 37 में कन्वर्ट हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे सॉल्व करोगे क्या, चलो जी का वैल्यू कितना है 10 और कॉस 37 का वैल्यू 4/5, बात मत करो, 4 × 2 = 8, तो ये 8 आया नहीं, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा कितना, जी वाई, हाँ जी कॉ सॉरी साइन 37 माइनस
10 और ये हो गया आपका कितना 3/5, तो ये हो गया आपका कितना -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए वाई एक्स आ गया। अब देखो फिर से वही वाली कहानी चलेगी, क्या निकालना है तुम्हें, इस ट्रेंगल की अगर हम बात करें, ये वाला ट्रेंगल दिख रहा है तुम्हें, इस वाले ट्रेंगल की बात करें तो सीधा सा यहां से एक्स एक्स कितना आएगा, यू एक्स टी आएगा बोलो, और वाई इक्वल टू क्या आएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इस दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो टी आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे और क्या, या आप x बाय वाई, जिसको y बाय x करोगे तो 10 आएगा, 10 37 वाला काम, समझ रहे हैं बात को, तो यहां से क्योंकि आपको ये वैल्यू 10 37 का वैल्यू दे रखा है ना रे, कितना पिछले वाले सवाल में 3/4, इसको सॉल्व करिएगा t का वैल्यू आएगा, और t का वैल्यू आ जाता है कितना 7 आ जाता है। चलो t का वैल्यू 7 सेकंड आया। अब जब t का वैल्यू 7 सेकंड आ गया, किसी का आया नहीं आया, अच्छा थोड़ा गिवन इन्फॉर्मेशन मिस्टेक था इसीलिए, अब सॉल्व करोगे तो t 7 आएगा, t 7 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रेंज। सुनो, रेंज के लिए ये ओपी होगा हमारा, आई बात समझ में, रेंज हमारा यहां पे होगा ओपी, और ओपी आपको निकालना है, रेंज ओपी होगा ना यहां पे, कंफर्म, हाँ ओपी निकालना है आपको। तो देखो ओपी में से तुम्हें पीक्यू यहां से एक आ जाएगा, पीक्यू क्या है बाबू, पीक्यू एक्स ही तो है, ओहो पीक्यू पीक्यू एक्स ही तो है, टी का वैल्यू पुट करोगे तो पीक्यू आ जाएगा, और देखो ओ क्यू ये क्या है, ओ क्यू वाई ही तो है, टी का वैल्यू पुट करोगे तो ओ क्यू आ जाएगा। अब तुम ही बताओ ओपी पैथोग्रस लगाओ या थीटा लगाओ, तुम्हारी मर्जी है ना, ओपी स्क्वायर इक्वल टू, चलो पैथोग्रस लगा दो, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, आया ओपी, बोलो ओपी नहीं आया, ओ क्यू यहां से आएगा, पी क्यू यहां से आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करोगे यूएक्स में, सॉल्व करोगे 20 × 7 कितना सॉल्व करोगे ना, पी क्यू ओपी आ गया, इसको सॉल्व करिए ओपी स्क्वायर, और यहां से आपका आ गया ओपी, और आएगा ये कितना, कितना 175 मीटर। कैलकुलेशन होमवर्क है घर में करना, आंसर बता दिए, प्रोसेस बता दिए, टाइम रहता तो कैलकुलेट भी कर देते, समय 10 मिनट सर का ज्यादा ले लिए हम। ये टॉपिक हो गया खत्म, ठीक है, कल का प्लान देखते हैं, कल नया टॉपिक स्टार्ट, उम्मीद है कि कल नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट होगी, ठीक है, मिलते हैं कल सेम समय में, तब तक के लिए धन्यवाद।